7 अगस्त को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पूरे बिहार में शुरू होगी, जो अलग अलग तारीख के साथ 28 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए जम्मू में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थानों का जायजा लिया गया, जिसमें SDO अभय कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने बारी बारी से सभी कोचिंग संस्थानों के अलावा होटल, विवाह भवन सहित अन्य जगहों को खंगाला। साथ ही मौजूद शिक्षक व बच्चों को कई अहम सुझाव दिए गए और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जहां SDO अभय कुमार तिवारी ने बताया कि पूरे बिहार में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसे लेकर जिला प्रशासन जम्मू में पूरी तरह साफ, स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 7 तारीख से सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यह प्रयास किया जा रहा है किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी लाइब्रेरी, लॉज या होटल में कोई सॉल्वर गैंग या इस तरह के परीक्षा को डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति सक्रिय न हो, इसके लिए छापेमारी का लगातार कार्य चल रहा है और जिला प्रशासन कृत संकल्प है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को पूर्णतया नियंत्रित करते हुए साफ, स्वच्छ और पक्षपात रहित परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। सर, एक दिल्ली में कोचिंग में एक घटना भी हुई थी जिसमें 3 जो छात्र हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको लेकर भी सर कोई निरीक्षण किया जा रहा है? उसके संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सारी कोचिंगों को लाइसेंस सिस्टम के तहत लाएं और जो भी आवश्यक अग्निशमन अन्य चीज़ें हैं उसके दायरे में वेरिफिकेशन कराते हुए संचालन कराएं। तो सर मेनली जो परीक्षा होने वाला है, हाँ, ये परीक्षा के मद्देनजर आज का ये कार्यवाही की गई है। जो भी संस्थान है उसका निरीक्षण किया जा रहा है सर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है सर जम्मू में कोचिंग संस्थानों को लेकर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों की अध्यक्षता में ब्रीफिंग का कार्यक्रम किया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त आदेश के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभी आज की जो कार्रवाई है वो हम लोगों की विभिन्न जो चरणों में होने वाली है परीक्षा, वहाँ तक हम लोगों की सतत जारी रहेगी। हम लोगों की जो सॉल्वर गैंग्स है या जो परीक्षा में कदाचार करवाने का संगठित गिरोह है, जो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से परीक्षा की सुचिता को भंग करते हैं, उन सभी के खिलाफ हम लोगों की मुहिम है। और आज की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से परीक्षा की जो पवित्रता है, गरिमा है, वो भंग। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।